गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे यू विल स्टडी अबाउट नेमिंग वर्ड्स, दैट इज़ योर चैप्टर 3। एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन नेम, विदाउट नेम वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज एनीवन। सबका अपना खुद का एक नाम होता है, बिना नाम के हम किसी को पहचान नहीं पाते। वी ऑलवेज कॉल एवरीथिंग बाय इट्स नेम, हम हर चीज़ को उसके नेम से बुलाते हैं। सो वी कैन से द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग इस कॉल्ड द नेमिंग वर्ड। जब किसी पर्सन का, किसी जगह का या किसी एनिमल का या किसी चीज़ का कोई नेम होता है, हम उसे बोलते हैं नेमिंग वर्ड और द नाउन। नेमिंग वर्ड बोलेंगे या फिर हम नाउन बोलते हैं। नेम आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, नेम अलग अलग तरह से होते हैं। सम ऑफ देम आर नेम ऑफ पर्सन्स, पर्सन के नाम, जैसे नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, गर्ल, फार्मर, बार्बर, वॉशरमैन। नेम ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, जैसे डॉग, कैट, ज़ेब्रा, क्रो, टाइगर, पिकॉक। फिर आते हैं नेम ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जैसे लेमन, पपाया, पोमिग्रेनेट, ब्रिंजल, रेडिश, कैरेट। नेम ऑफ थिंग्स, जैसे बुक्स, कार, बलून, शूज, कंप्यूटर, बॉल। फिर आते हैं नेम ऑफ प्लेसेस, जैसे ताजमहल, इंडिया गेट, लोटस हाउस, टेंपल, रेलवेज। ये आपने पढ़े किसी पर्सन के नेम्स होते हैं, उसके एग्जांपल मैंने आपको बताए, फिर एनिमल के एग्जांपल्स बताए, फिर फ्रूट्स और फूड के एग्जांपल बताए, फिर थिंग्स और फिर प्लेसेस, जगहों के नाम आपने देखे। सो यू हैव लर्न दैट ऑल थिंग्स, पर्सन, एनिमल्स, बर्ड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, प्लेसेस एक्सेट्रा हैव देयर नेम्स, वी नो दैम बाय देयर नेम्स। तो आपने सीखा कि सारी चीज़ें, पर्सन्स, एनिमल्स, बर्ड्स, फ्रूट्स, सब्जियाँ, जगह, ये सारी चीज़ों के अपने खुद के नाम होते हैं और हम उन्हें उन्हीं नामों से जानते हैं। तो अब एक्सरसाइज करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स। आपको यहाँ पे पिक्चर्स दे रखी है कुछ, उनके नेम पता करने हैं। अब ये क्या, किसका है ये पिक्चर, देखो ये क्या है, मैंगो। ये है ये देखो डॉक्टर है, डॉक्टर के गले में स्टेटोस्कोप लगा है, सो ये डॉक्टर। ये क्या है, हाउस। ये नरेंद्र मोदी। ये है आपका ताजमहल। ये ब्रिंजल। ये क्रो है। और ये क्या है आपके, कैमल। आपने पिक्चर्स को देख के आइडेंटिफाई किए कि ये सब चीज़ें क्या थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट प्लेस, एनिमल, पर्सन और थिंग्स बिलो दैम। व्हाट हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको पिक्चर्स देखनी है और बताना है कि नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग ये सब क्या है। सो एक आपके लिए किया हुआ है, जैसे ये क्या है, पर्सन, लड़की है, लड़की क्या होती है, पर्सन, सो ये है पर्सन। ये क्या है, बुक। बुक क्या होती है, अपनी कोई एक चीज़, सो ये थिंग। ये क्या है, जगह, जगह है, जगह को हम क्या बोलते हैं, प्लेस। और ये क्या है, कोई एनिमल है, पिकॉक एनिमल होता है, सो ये क्या हुआ आपका, एनिमल। ये भी क्या है, एक एनिमल है, सो एनिमल, जगह, प्लेस। ये चल फिर नहीं सकती, उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, थिंग, सो ये आपकी क्या हुई, थिंग। ये पर्सन, ये इंसान काम कर रहा है तो उस इंसान को हम क्या बोलते हैं, पर्सन, सो ये आपका पर्सन। कार है, थिंग। ये एक जगह का है, इंडिया गेट, सो वो क्या है, एक जगह ही है, सो प्लेस। यहाँ पे आपको पर्सन दिखा रखे हैं, तो पर्सन, थिंग। ये ट्रेन है, नो। यहाँ पे आपको आदमी वगैरह दिखा रखे हैं, ये आपकी क्या है, पर्सन। ये एक एनिमल दिखा रखा है, तो एनिमल, शूज़, थिंग होती है। और ये कौन होता है, ये भी एक पर्सन होता है। पुट आउट द नेमिंग वर्ड्स फ्रॉम द बास्केट एंड राइट इन द अदर बास्केट। आपको इसमें से नेमिंग वर्ड्स लेने हैं जो किसी का नाम होता है और बास्केट में लिखने हैं। जैसे इसमें नेट नेम होता है, नेट भी नेम है, मैन भी नेम होता है, रेड भी एक नेम है, पेन भी एक नाम होता है चीज का, गो। अब गो कोई नाम थोड़ी ना है, गो बोलते हम जाओ, तो ये कोई नाम नहीं है, सो ये नहीं है। टूथ नाम होता है, हेड भी नेम होता है, गोट भी नेम है, हेड नेम है, नहीं। स्लीप नेम है, नो, हम सोते हैं तो स्लीप नेम नहीं हो सकता। क्या रीड आपका किसी का नाम है, नो। ये चीज़ है जो हम काम करते हैं, काम करने वाली चीज़ों को हम नाम नहीं बताते हैं, तो स्लीप मतलब सोना, सोना कोई काम थोड़ी है, सो स्लीप नहीं हुआ, रीड भी नहीं हुआ, नॉट भी नहीं होता है,
लेट भी नहीं होता, फैन भी नहीं, वीप भी नहीं. ओके, पुट द फॉलोइंग नेमिंग वर्ड्स अंडर द सुटेबल हेड्स. अब आपको इसमें नेमिंग वर्ड्स दे रखे हैं कुछ, वो एक सुटेबल हेडिंग में लिखना है. मतलब प्लेस के नीचे प्लेस लिखने हैं आपको, एनिमल के नीचे एनिमल लिखेंगे, थिंग के नीचे थिंग लिखेंगे, पर्सन के नीचे पर्सन के नेम लिखोगे. सो प्लेस. अब जग क्या है, एक चीज़ है, तो जग को हम लिख देंगे थिंग के नीचे. फिर आप जो जो लिखते जाएंगे ना उस पर आप टिक करते रहना ताकि कन्फ्यूज़ नहीं होए. सो आपने जग लिख दिया तो आप जग पे टिक कर दो. सो जग. टेम्पल लिखा, टेम्पल क्या होता है, प्लेस का नाम है, सो टेम्पल प्लेस के नीचे आ गया. चॉकलेट चीज़ है तो चॉकलेट यहाँ पे आ जाएगी आपकी. बिस्किट, बिस्किट भी एक चीज़ है, बिस्किट थिंग के नीचे आएगा. बोट क्या होता है, बोट भी थिंग, तो बोट भी थिंग है. विंडो, विंडो भी एक चीज़ ही है, सो विंडो थिंग. बॉय क्या है, पर्सन, बॉय पर्सन के नीचे आएगा. टाइगर को आप लिखेंगे एनिमल के नीचे. ट्री, ट्री एक थिंग होती है, सो ये भी थिंग है. टेम्पल प्लेस का नाम है, एक जगह है, सो टेम्पल प्लेस के नीचे. लोटस थिंग, सो लोटस थिंग के नीचे आ जाएगी. दिल्ली जगह का नाम है, सो प्लेस. अमन किसी का नाम है, सो पर्सन. मैन पर्सन हो गया. काकू भी पर्सन होगा. चेयर, चेयर क्या है, थिंग, चेयर यहाँ पे आ जाएगी. देन स्कूल, स्कूल क्या है, जगह है एक, सो प्लेस. पार्क क्या है, जगह, ये भी प्लेस के नीचे. कैट एनिमल है, तो एनिमल यहाँ पे आ जाएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द नेमिंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड ग्रिड एंड राइट. आपको इसमें से वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं और लिखने हैं, जो हम मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता रखे हैं. जैसे यहाँ पे ढूंढा ऑरेंज और हमने ऑरेंज लिख दिया. ये मैंगो ढूंढा और हमने मैंगो लिखा. फिर हमने ये गोवा देखा, गोवा पे लाइन करा और गोवा लिखा. देन ये रैबिट है, यहाँ हमने रैबिट ढूंढा था, ये वाला पूरा रैबिट पे हमने बॉक्स बनाया, फिर रैबिट लिखा. देन ये ट्री, ट्री पे हमने बॉक्स बनाया, ट्री लिख दिया. गार्डन पे बॉक्स बनाया, हमने गार्डन लिखा. देन ग्रेप्स पे भी हमने बॉक्स बनाया, हमने ग्रेप्स लिख दिया. नोज पे बॉक्स बनाया और हमने यहाँ पे नोज पे लिख दिया, ठीक है. देन कलर द पिक्चर. अब आपको यहाँ पे टमाटो दे रखा है, आपको इसमें कलर करना है रेड कलर. सो आप सब इसमें कौन सा कलर करोगे, रेड. सो नाउ योर चैप्टर इज़ कम्प्लीट. थैंक यू.